सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन ब्लॉग। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी पूरे वर्ल्ड में प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे चर्चेस भी खोल रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें प्रॉफिट जी ने चंडीगढ़ की सड़कों पे प्रभु का प्रचार किया है। तो आओ हम देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी कोई भी धर्म नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ एक इंसान का रिलेशन है। और परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाने के लिए एक इंसान को किसी भी धर्म को मानने की नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं और वचनों को मानने की ज़रूरत है। और परमेश्वर की आज्ञाएँ और वचनों के बारे में हमें बाइबल में से ही पता चल सकता है। और प्रेम और शांति का प्रचार करने वाले आज इस संसार में वही लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं। खोज करने के लिए निकले, परमेश्वर ने उनको बताया था, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो परमेश्वर, आप जब आप ध्यान लगाते हैं तो वो एक बात आपसे बातें करता है, हर एक इंसान से। तो वो तीन संत जो खोज करने के लिए निकले थे, तो परमेश्वर ने उनको बताया कि यरूशलेम के अंदर, इसराइल में, यरूशलेम के अंदर एक खुले में यीशु मसीह जन्म लेगा और वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा, उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा, उनको हर एक परेशानियों से आजाद कराएगा। उसका नाम यीशु होगा। और मैं कह रहा हूँ कि वो समय वो निकल तो पड़े वो तीन मंजूसी, लेकिन उनको एड्रेस मालूम नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि आज आप निकल तो पड़े हैं इस परमेश्वर के दास के पीछे, लेकिन विश्वास के साथ चलना। परमेश्वर ने उन तीन मंजूसियों को कहा था कि एक स्टार होगा आसमान में, एक स्टार तेरे साथ चलेगा, जहां वो तारा रुक जाएगा बोलते कि उस समझ जाना कि वो एड्रेस है, और वो एड्रेस है, और वहां पर यीशु मसीह जन्म लेगा यीशु मसीह के नाम में। और उस तारे के सहारे चले थे उस दिन और सही एड्रेस पर पहुंचे। लेकिन आज याद रखना, आज परमेश्वर ने मुझे वो स्टार बनाकर भेजा, सही एड्रेस पर पहुंचाऊंगा। जहां पर एक संत खड़ा होकर प्रार्थना करता है, वहां पर एक सही एड्रेस है, जहां दो या तीन जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम के नारे लगाते हैं, वहां पर करें कि वो सही एड्रेस है। और आज वो उद्धार करता आपको आशीष देकर रहेगा यीशु मसीह का। आज आसमान के खुदा ने मुझे कहा, जितने लोग मेरे इकलौते पुत्र की शोभा यात्रा में शामिल होंगे, उनसे जाकर कह देना आज आसमान का खुदा स्वर्ग से निकल कर उन्हें आशीष देने का मौका है। आज आप आशीष लेना चाहते हैं तो हालेलुया का नारा रुकना नहीं चाहिए। उनकी समस्याओं की दीवार आज गिर जाएगी, समस्याओं की दीवार, खर्चे की दीवार आज परिस्थितियां गिरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। आज हमारे एक आशीष आने वाली है चर्च, आमीन बोलने वालों के लिए आशीष आ रही है चर्च, हालेलुया बोलने वालों के लिए आशीष आ रही है चर्च, हालेलुया। आज आपने हालेलुया बोलकर अपने कर्जे की दीवार गिरा दी है। याद रखना, ये क्रिसमस आपको रुलाने के लिए नहीं आया, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये क्रिसमस इनको हंसाने के लिए आया। हालेलुया, आपकी खोई हुई स्माइल थी 2020 की, मैं कह रहा हूँ कि वो इसी साल में वापस लुटा कर जाएगा इस वजह से। और जितने लोग आज उसके इकलौते पुत्र की शोभा में शामिल हुए हैं, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए उसके जन्मदिन की, याद रख। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। शोभा बढ़ाएगा, आपके बच्चों की शोभा बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में।